हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनजी क्लास के बारे में, जो कि एंगुलर के अंदर यूज किया जाता है। जो एनजी क्लास होता है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सीएसएस की कुछ क्लासेस होती है और हम कंडीशन के बेस पर उन क्लासेस को अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमें कोई सी दूसरी क्लास अप्लाई करनी है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई और सीएसएस की क्लास हमको अप्लाई करना है। यानी कि जो एनजी क्लास होता है वो डायनेमिकली जो क्लासेस होती है सीएसएस की, उनको अप्लाई करने के लिए भी यूज किया जाता है और रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सीएसएस की कुछ क्लासेस बनाई हुई है, तो चलिए इनको हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर एनजी क्लास की हेल्प से इन क्लासेस को अपने जो एचटीएमएल के कंटेंट होते हैं वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो क्लास बनाई हुई है हमने सीएसएस की, एक एक्टिव नाम की और एक इनएक्टिव नाम की। जब भी हम सीएसएस की फाइल के अंदर कोई सी भी क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले हम डॉट को लगाते हैं, यानी कैसे हम डॉट लगाएंगे, फिर हम अपने क्लास का कुछ भी नाम ले सकते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के जो भी हमें सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो इस बॉडी के अंदर हम यूज कर लेंगे। जैसे एक्टिव क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हैं और जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से इनएक्टिव क्लास के अंदर भी हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हैं और जो टेक्स्ट है उसका कलर हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन क्लासेस को। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल की फाइल में आते हैं और मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर हम डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर हम कुछ कंटेंट ले लेते हैं रैंडमली कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ दिस विल बी रेंडर बेस्ड ऑन एनजी क्लास। अब यहाँ पर देखिए हमने एक लाइन का यहाँ पर कोडिंग की हुई है और इसके ऊपर हमें एनजी क्लास की हेल्प से जो सीएसएस की क्लासेज है उनको अप्लाई करना है। तो पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अभी देखिए इसके कंटेंट के ऊपर कोई भी सीएसएस नहीं अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए एनजी क्लास को हम यूज करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि ts फाइल के अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे एनजी क्लास को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इज एक्टिव, एक वेरिएबल होगा और इसका टाइप होगा बूलियन। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले यानी कि इनिशियल लेवल पे मैं इसमें फॉल्स असाइन कर देता हूँ, यानी कि अभी जो इजेक्टिव की वैल्यू है वो फॉल्स है। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, जो ड्यू है इसका जो ओपनिंग टैग होता है यहाँ पर हम एनजी क्लास को अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एनजी क्लास को टाइप कर लेता हूँ, उसकी कंडीशन टाइप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ng क्लास को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। ng क्लास को यूज करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और उसके अंदर हम ng क्लास को टाइप करेंगे। उसके राइट साइड में हम क्या लेते हैं, एरे भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं या फिर कोई एक वेरिएबल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर दो कंडीशन लगाई है, अगर इज एक्टिव के अंदर जो वैल्यू है अगर वो ट्रू है तो यहाँ पर एक्टिव नाम की जो क्लास हमने बनाई हुई है ये उसको अप्लाई कर देगा। अगर इज एक्टिव के अंदर वैल्यू फॉल्स है, यानी कि जो आपको इज नॉट का सिंबल दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर इज एक्टिव की वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करता है, इनएक्टिव क्लास को यहाँ पर अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे जो क्या करेगा कि जो क्लासेज हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर कंडीशन यहाँ पर पहले एक्टिव क्लास अप्लाई हो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनएक्टिव क्लास अप्लाई हो, तो उस बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन क्लासेस को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अभी आकर दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सी क्लास अप्लाई हो रही है, जो इनएक्टिव क्लास है। यानी कि यहाँ पर आप आ सकते हो, आप देख सकते हो जो इनएक्टिव क्लास है जिसमें बैकग्राउंड का कलर ब्लू है और जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ये क्यों अप्लाई हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जो इजेक्टिव की वैल्यू है वो फॉल्स है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक बटन ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा क्लिक हियर। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ कि एक मेथड को भी यहाँ पर मैं कॉल करा लेता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि बटन के अंदर हमने क्या किया है कि जो क्लिक इवेंट है यानी कि जैसे ही बटन के ऊपर प्रेस होगा एनजी स्टाइल नाम के यहाँ पर एक मेथड हमने बना लिया है, वो कॉल हो जाएगी। इस मेथड का काम क्या होगा कि जो इजेक्टिव की वैल्यू है अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा। और यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लास भी अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बूटस्ट्रैप की भी हमने क्लास यहाँ पर अप्लाई कर ली है। अब यहाँ पर आते हैं हम एक बार और देखें यहाँ पर बटन भी आ गया, मैं बटन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर CSS की क्लास अप्लाई हो रही है वो चेंज हो गई है। अगर मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर दोबारा से जो क्लास है वो यहाँ पर चेंज हो जा रही है, यानी कि जो एनजी क्लास होता है इसको हम क्लास बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर हमने जो CSS की क्लास है उसको अप्लाई किया। अगर आप एरे के फॉर्मेट में यहाँ पर क्लासेस को अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इनको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम एरे के फॉर्मेट में यहाँ पर क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरे नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया यानी कि एरे टाइप का। अब हमें क्या करना है कि जो एरे का स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर आपको क्लासेस ऐड कर देनी है। तो CSS के अंदर जो फाइल है यहाँ पर कुछ क्लासेस पहले से बनाई हुई है मैंने, बेस क्लास नाम की यहाँ पर एक बनी हुई है और एक एडिशनल क्लास। तो यहाँ पर बेस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस तरह से कोमा से सेपरेट करके जो दूसरी क्लास है यहाँ पर उसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एरे नाम के वेरिएबल के अंदर दो CSS की क्लास हमने स्टोर कर ली है। अब हम जहाँ पर भी एरे नाम को एनजी क्लास के साथ यूज करेंगे वहाँ पर इन दोनों क्लासेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी CSS की वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से क्या करते हैं कि इनको हटा देता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर एरे का जो हमने नाम लिया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, आपने इस पर आते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दूसरी क्लासेस हमने एरे के फॉर्मेट में यूज की थी वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अगर आप यहाँ पर और भी क्लासेस ऐड करना चाहते हो तो कोमा के साथ सेपरेट करके आप अपने क्लासेस का नाम दे सकते हो। तो इस तरह से हम एनजी क्लास को यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।